बहुत अच्छी बॉलिंग निमिष की वहां पे बॉलिंग, शिवम संघवी, इस टीम के यंग कैप्टन संयम फील्डिंग सेट करते हुए। ये मैच भी काफी रोमांचक होने वाला है, दोनों ही टीम भाई बहुत खुश लग रहे हैं। आशीष भाई क्यों ना हो, उनकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है, उनको भी अगला मैच खेलने मिलेगा क्योंकि ये मैच वो जीत चुके हैं। इसलिए जुड़ेगा सुंदर तो बढ़ेगा सुंदर, और ये काफी बढ़िया बॉलिंग ऑफलाइन का डब्बा पकड़ते हुए संयम शिवम शिवम शिवम, ये भाई संयम शिवम की जोड़ी, ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। पहला बॉल, पहली बॉल राकेश बंसाली, दूसरा दूसरा, और यहाँ पे थोड़ा नया शॉट, वहां पे फील्डर है, क्या पकड़ पाएंगे? हाँ बहुत ही बढ़िया बॉल कलेक्शन, एक रन से खुश। पर आप ऐसे शॉट्स बहुत ज्यादा देखेंगे जब राकेश बंसाली, मनीष बंसाली 360 डिग्री, आप जहां पे हाथ रखो वो वहां पे शॉट मार सकते हैं। दिस इज द गॉड गिफ्ट यूसीसी, जो कोई भी ऑडियंस बाहर रहे, और लेग साइड पे पीछे घुमा दिया है, वहां पे फील्डर है आकाश, आकाश आकाश जैन, संदीप जैन के छोटे भाई आकाश जैन। हाँ दोनों ने नमक एक ही खाया है और दोनों धुरंधर है। अच्छा शॉट, अब अच्छी बॉलिंग वहां पे, लेग साइड में घुमा दिया था, शायद थोड़ा सा अच्छा टाइम कर लेते तो ये बॉल छौका ही होता था। हेज के फाइटर्स में ऐसे एक प्लेयर है जो बहुत ही उत्सुक रहता है यूसीसी के लिए, राकेश भाई, जो ऑलरेडी बैंगलोर से यहाँ पे मैच खेलने आए हैं, मतलब दूर दूर लोग यूसीसी का फॉर्म भर रहे हैं और यूसीसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और घुमा दिया है लेग साइड में, फील्डर है, वन बाउंस बॉल कलेक्ट कर लेंगे, दूसरे रन की मांग राकेश की तरफ से, और यही सब प्लेयरों का प्यार देख के यूसीसी, यूसीसी ब्रांड की वैल्यू आजकल आ चुकी है, यूसीसी ब्रांड वैल्यू हो गई है, लोग यूसीसी में जुड़ना चाहते हैं। एक ओवर चार रन, एक ओवर चार रन, बहुत अच्छी शुरुआत वहां पे एज द फाइटर्स की, थोड़ी सी धीमी स्टार्ट एनआई पावर की, एनआई ब्लास्टर्स की, लेकिन उन्हें मालूम है ये 8 ओवर का मैच है, लेकिन पहला ओवर जो होता है वो पावर प्ले का होता है, जो भी चीज करनी है पावर प्ले में करनी है। और जब तक राकेश बंसाली जैसे प्लेयर्स क्रीज पे मौजूद है, वो कभी भी अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा सकते हैं, कभी भी अपना खेल बदल के बैटिंग कर सकते हैं। और संयम कैप्टन ने बॉल उठा ली है, संयम के बारे में मैं बहुत सी चीज जानता हूं कि भाई ये जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, बहुत ही वेरी क्रिकेट प्रेमी है ये। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, वाह वाह वाह, हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं, वाह शिखर भाई वाह, वेल सेड वेल सेड, यही सेम हम संयम के लिए यूज कर सकते हैं वर्ड, ये संयम के लिए ही था, वाह। वाइड का इशारा अंपायर के ओर से, एक्स्ट्रास पे जो भी टीम जीतेगी या जो भी टीम खेल रही है, अगर उनकी एक्स्ट्रास पे कंट्रोल है तो वो मैच कुछ भी हो सकता है। ग्रीन फिटनेस जो मैच पिछला हारी है ओनली एंड ओनली एक्स्ट्रास की वजह से हारी है। जितना स्लो रनअप है उनका उतनी फास्ट बॉल है उनकी,
और बैटिंग भी काफ़ी कैलकुलेटेड तरीके से कर रहे हैं सनी भाई। देख रहे के राकेश है वहाँ पे जो काफ़ी बड़े बड़े सिक्स लगा सकते हैं, हमने पहले भी यूसीसी के सीजन्स में देखा हुआ है। हाँ, सिंगल सबसे ज़्यादा लॉस का, जब सबसे ज़्यादा यूसीसी का जो लॉस करवाते हैं बॉल के मामले में, उसमें टॉप लिस्ट में राकेश भंसाली का नाम है। और सबसे ज़्यादा जो एंटरटेन कराते हैं उसमें भी टॉप लिस्ट में राकेश भंसाली हो गए। हर एक बॉल पे फील्ड प्लेसमेंट सब कुछ सेट हो रहा है। हमारे कप के स्पॉन्सर्स खुशी का मौका, अशोक जी, सोनराज जी, संघवी, खुशी का मौका। हमारे जर्सी स्पॉन्सर्स लाइफ टेक हीटर्स। टाइम को दिमाग में रखते हुए हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे। थोड़े से टाइम को ध्यान दे सनी भाई, बैटिंग पे, संयम बॉलिंग पे, क्या इस विकेट पे कुछ बड़ा होगा। बैट तो काफी लंबा घुमाया था पर अंपायर की तरफ से और एक एक्स्ट्रास। एक्स्ट्रा हम राकेश भाई की बात करते हैं, राकेश भाई जो विकेट कीपिंग कर रहे हैं वो स्पेशली ये यूसीसी खेलने के लिए हर साल बेंगलोर से बहुत उत्सुक रहते हैं। मतलब जो भी सुनतर में कोई भी फंक्शन हो रहा है या कुछ भी इवेंट हो रहा है उनको उसमें पार्टिसिपेट करना ही है, और ऐसे ही हमको मोटिवेशनल वाले बंदे चाहिए। जुड़ेगा सुनतर तो बढ़ेगा सुनतर। सही बात है, ये हमारा मोटिव है 3 दिन के इवेंट के लिए। और ये घुमा दिया है बॉल हवा में, फील्डर नीचे आते हुए और कैच। जी नहीं, एक बार नहीं दो बार कैच ड्रॉप की उन्होंने। क्या ये कैच ड्रॉप थी या सनी को एक चांस था वो हमको अगले 2 ओवर में मालूम पड़ जाएगा। अगर आप लोगों को ये मैचेस जीतने हैं तो आपको कैचेस पे बहुत ध्यान देना होगा। कैचेस वेन मैचेस। कल्पेश और हमारे टॉस के बॉस के स्पॉन्सर ग्राउंड में आते हुए यश जी तैयार रहे, ये इनिंग के बाद आपको टॉस उड़ाना है और उनका खुद का ही मैच है। स्कोर 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 हो चुका है 3-0 1-3 फिर से आगे बढ़ गए। काफी अच्छा प्लेसमेंट, पता एक बड़ा शॉट आ गया इस ओवर में, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। दूसरी तरफ पे सनी भाई खड़े जो काफी बढ़िया स्ट्राइक रोटेट करते हैं। राकेश अगर 8 ओवर तक खेलते ये मैच तो मुझे 80 रन दिख रहे हैं उनके, 80 रन दिख रहे हैं मेरे को। बोल देंगे ना, बता देंगे बहुत अच्छी बॉलिंग वहां पे संयम की। जरूर बैट बहुत जोर से घुमाया था, शायद सीधा शॉट मारने की कोशिश थी पर एज लगा और बॉल लेग साइड पे। एक कैप्टन का रोल रहता है कि वो अपने टीम को किस तरह ले जाए, किस तरह खेले। और ये क्या दूसरा रन, ओवर थ्रो। कैप्टन तो सोच रहे थे अगले ओवर के बारे में, लेकिन हम अंपायर के इशारे का वेट करेंगे बिकॉज अंपायर कॉल इज द फाइनल कॉल। हाँ अंपायर एक रन का इशारा आते हुए, एक ही रन है ये ओवर थ्रोस के रन नहीं काउंट करेंगे। पर एनआई ब्लास्टर्स बताते हुए ये तो खाली राकेश और सनी वार्मिंग कर रहे थे अगले ओवर के लिए कि भाई एक रन भाग लेते थोड़े गर्म हो जाते हैं, अगले ओवर में चौके छक्के मारने हैं। 2 ओवर 15 रन। हेज द फाइटर्स थोड़ा जल्द से जल्द करे। और हमारे भजी, हमारे ऑफिशियली फोटोग्राफर, इनको बहुत जगह से फोन आ रहा है क्रिकेट के, लेकिन उन्होंने बोला हुआ है हमने यूसीसी को जबान दी है। राकेश थोड़ा सफल हो,
और बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे संयम की, फाइन लेग पे काफी बढ़िया शॉट मारा था, शायद बॉल इतने बढ़िया बैट पे नहीं आई पर तो भी एक रन लेने में। संयम को मालूम है कि उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेग साइड है और वो अपने आप को खुद को ही लेग साइड पे रखे हैं। और काफी बढ़िया फील्डिंग प्लेसमेंट, बहुत अच्छी सोच संयम की। और हमारे एनिवर्सरी बॉय है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है उनके साथ में अगले मैच में कि मैन ऑफ द मैच जीते और अपने वाइफ को वो प्रेजेंट करे। सनी, क्या यहाँ पे रन आउट का मौका बन सकता है? अगर डायरेक्ट थ्रो होता तो कहीं ना कहीं। बहुत अच्छी रनिंग सनी की वहां पे, राकेश बंसाली और सनी और हमारे मनोज भाई रेडी होते रहिए, रेडी होते हुए भूलिए नहीं हमारी कमिटी भी इस टूर्नामेंट में पार्ट लेती है। थोड़ा जल्दी करेंगे, और अच्छी अपील, अपील की है उन्होंने। आकाश थोड़े से खुश थे कि ये विकेट उनको मिल चुका था, शायद से मिली सेकेंड्स का फासला था, थोड़े से चूके राकेश बंसाली। घुमा दिया राकेश बंसाली ने, लेग साइड उनका फेवरेट एरिया है और संयम वहां पे ही हैं, उनके लिए दीवार जैसे खड़े हैं। दूसरे रन के और भागते हुए, अच्छा थ्रो वहां पे संयम का, एक दीवार सी खड़ी है वहां पे राकेश के लिए लेग साइड में, अपने टीम के लिए दो रन बचाते हुए। और वो साइड की बाउंड्री काफी लंबी है। हमारे एज द फाइटर्स के ओनर सूरज जी मेहता, एनआई के हुए हमारे ओनर्स मनीष बंसाली। अच्छा और ये स्ट्रेट खेल दिया है, पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं है, बाउंस चौका। थोड़ी सी हाइट कम पड़ी संयम को, शिवम को, वरना ये बॉल को पकड़ लेते थे। एक बाउंस किया और बाउंस ऊपर। इसमें वो हुनर है, चौका स्पॉन्सर्स बाय मारुति कंपनी। और स्कोर 24-0। अंपायर थोड़ा सा टाइम का ध्यान देना, तीन ओवर पूरे, चार ओवर के बाद ही ड्रिंक्स अलाउड है और ड्रिंक्स का टाइम भी एक मिनट ही रखे प्लीज। हाँ, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी रखा हुआ है हमने, लेकिन वो इनिंग के बीच में रखा हुआ है। तीन ओवर 24 रन्स, तीन ओवर ना, तीन ओवर 24 रन्स। एक रिस्पेक्टेड स्कोर खड़ा कर दिया है एनआई ब्लास्टर्स की दोनों ओपनर्स ने, एक भी विकेट नहीं गए अभी तक। और इसको बोलते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। पिंकेज अपने प्लेयर को भी पानी पिलाएंगे और अपने अपोजिट प्लेयर को भी पानी पिलाएंगे। जुड़ेगा सुंदर तो बढ़ेगा सुंदर, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये क्रिकेट तो एक खाली बहाना है, बाकी तो सब हम भाई हैं। संदीप उर्फ सैंडी भाई, घुमा दिया है वहां पे अंपायर का, बहुत अच्छी बॉलिंग वहां पे, अच्छी बॉल वहां पे। सनी को लगा व्हाइट है लेकिन बॉल तो ग्रीन है। क्या बात है। और अपील, और एक ऑल डॉट बॉल। धीरे धीरे ऑडियंस अपने बच्चों को उठाते हुए लेके आते हुए, यही हमारे भविष्य है सुंदर के, आज देखेंगे तो कल खेलेंगे। यहाँ पे सब अपने फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करने आए, कोई मामा को, कोई चाचा को, कोई भाई को, कोई बेटे को। और यूसीसी ऐसा एक मंच है जहाँ पे भाई भाई के सामने खेलता है, साला जीजा के सामने खेलता है, मामा भांजे के सामने खेलता है, मामा भांजे के सामने खेलता है। बहुत अच्छे, राकेश थोड़े से थके हुए लग रहे हैं। प्लेयर्स प्लीज बाउंड्री लाइन के वो साइड से चले, प्लेयर्स थोड़ा अंदर, थोड़ा सपोर्ट करें कमिटी को। अगली बॉल संदीप की, काफी बढ़िया बॉलिंग करते हुए, बिल्कुल भी कोई लूज एंड नहीं दिया है। देखते हैं अगली बॉल पे क्या होता है। फुल टॉस बॉल घुमा दिया पर कनेक्ट नहीं कर पाए, मिस किए राकेश ने।
जो कॉन्फिडेंस मुझे इन बॉलर में दिख रहा है वो शायद से हेस के पिछले बॉलर्स में थोड़ा कम था। हाँ, इन्हें पता है कि राकेश भंसाली को बॉलिंग डाल रहे, मौका दे रहे इन्हें मारने के लिए, और बॉल हवा में खुद जाते हुए बॉल कलेक्शन के लिए, और ये कैच, राकेश भंसाली पवेलियन की ओर बढ़ते हुए। राकेश भंसाली विकेट का क्या कैच, जेविन बोगाडिया की ओर से काफी शानदार कैच। डाल रहे थे, देख रहे थे। धीरे धीरे पवेलियन में शेर की एंट्री हो चुकी है। एक गया तो दूसरा आया, शेर की एंट्री हो चुकी है। धीरे धीरे चलते हुए मनीष बंसाली आ चुके हैं। शिखर को नीने करके 500 लोग YouTube पे लाइव देख रहे हैं यहाँ पे। और जीतू भाई और UCC कमेटी का थैंक यू जो मुझे माइक फियर दूर करा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि और किसी को भी करना है, यही ऐसा एक मंच है जहाँ पे। और काफी बढ़िया बॉलिंग, काफी अच्छा ओवर हेस के तरफ से संदीप ने और सैंडी भाई। स्कोर हो चुका है 25, 4 ओवर 25। काफी किफायती ओवर संदीप भाई का, दिल खोल के बॉलिंग की उन्होंने और बड़े जिगरे से बॉलिंग की उन्होंने। हमारी यूसीसी कमेटी का यही खासियत है कि हम हर चीज शॉर्टकट करना नहीं चाहते हैं कि इवेंट वाले को दे दिया, इवेंट ने संभाल लिया। हम खुद हर चीज करना चाहते हैं क्योंकि हमारा भी फियर है वो दूर हो रहा है और चाहते हैं सुंदर वाले आओ। इंपॉर्टेंट, हाँ, और पर्सनल टच। दोस्तों रिक्वेस्ट आ गई है फेसबुक पे, मेरे को भी इंस्टाग्राम में भी ऐड करो, फेसबुक में भी ऐड करो, ऐसा बंदा सबको चाहिए अपने लिस्ट में। और ये थैंक यू सिर्फ जीतू भाई को नहीं, जो ये आप जो कर रहे हो, आप जो कर रहे हो उसका ही ये फल आपको मिल रहा है, हम तो खाली एक जरिया है। थोड़ा जल्दी करने का कोशिश करेंगे, खेल दिया ऑफसाइड में, फील्डर मौजूद है, काफी बढ़िया बॉल कलेक्शन। मनीष भाई दूसरा रन लेना चाहते थे पर काफी बढ़िया फील्डिंग वहाँ पे। शिखर हम कुछ NI पावर से, NI ब्लास्टर से बात करना चाहेंगे, किसी एक प्लेयर से बात करें, क्या उनका क्या गेम प्लान है, क्या कर रहे हैं वो, क्या उनकी सोच है। अच्छी बॉलिंग वहां पे, पूरी तरह सनी चूक चुके हैं। सनी अभी ऑलमोस्ट 2 ओवर खेल चुके हैं। स्कोर क्या हुआ? चलिए हम हमारे स्कोर 26 NI ब्लास्टर्स के कैप्टन से बात करते हैं। क्वेश्चन बिना कुछ परेशान करते हुए पवेलियन लौटते हुए मनीष बंसाली।
वाले पूछ रहे हेज वाले को, क्या इरादा भाई आपका, कितने पे हमको रखना है बता दो पहले से ही। अच्छी बॉलिंग कर रहे हेज और उतनी अच्छी कैप्टनशिप संयम की वहाँ पे, युवा कैप्टन भविष्य। अच्छा शॉट पिंकेश, पिंकेश के बारे में बोलना चाहेंगे, ये कमिटी मेंबर्स भी हैं। सनी वहां पे रन आउट के चांसेस हैं लेकिन उन्होंने अच्छा कवर कर लिया, बहुत अच्छी रनिंग सनी की वहां पे। शिवम की अच्छी बॉलिंग वहां पे और हम हेश के डगआउट में आते हुए लाइव वाले जहां भी थोड़े डगआउट पर हमारे हेश के ओनर शिखर भाई। शिखर आप कैमरे के सामने कहना चाहोगे कैमरे के सामने टीम के बारे में? मैच होने के बाद, मैच होने के बाद दोनों काफी बढ़िया प्लेयर राकेश भंसाली मनीष भंसाली इस समय पवेलियन में, कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं, मैच होने के बाद बोलेंगे जो भी बोलेंगे। लगता है ये नरेश भाई आपको जनता सुनना चाहती है। नरेश भाई हम ऐसे नर्वसनेस नहीं देखेंगे, आपको जनता सुनना चाहती है। अच्छा खेल रहे हैं दोनों साइड से और काफी लंबे वेट के बाद यूसीसी फिर से बाहर आया है, उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं, नो कमेंट्स ना। हमने सुना है नरेश भाई आपने बहुत दिन के बाद छुट्टी ली ऑफिस से, क्योंकि आप ऑफिस को छोड़ते ही नहीं है लेकिन क्रिकेट के लिए कुछ आपके सपोर्टर्स के लिए कहना चाहोगे, आपकी टीम के लिए? वाह क्या बात है, काफी दमदार सपोर्ट है जीते रहो जीते रहो। दोनों बेहतरीन बल्लेबाज मनीष भंसाली राकेश भंसाली समय पवेलियन में, पिंकेश स्ट्राइक पे थोड़ा सैंडी बॉलिंग पे, पिंकेश पे थोड़ा प्रेशर और उठा के खेल दिया है। यहाँ पे फील्डर्स मौजूद है पर वन बाउंस चौका 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 स्पॉन्सर्स बाय मारुति कंप्यूटर सिस्टम्स। लाइफ टैग हिटर्स आप कुछ कहना चाहोगे? अंकल से बात करिए आप, संजय भाई हमारे मित्र आए हुए। कल्पेश भाई फिलहाल अभी बहुत सारे लोग हमें यूसीसी को सपोर्ट करने आए हैं, आप कुछ कहना चाहोगे यूसीसी के बारे में? क्या बोल शिखर, हमारे एक मोटो है, जुड़ेगा सुंदर तो बढ़ेगा सुंदर, उसके बारे में कुछ पूछो उनसे। जी हाँ, जुड़ेगा सुंदर तो बढ़ेगा सुंदर, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस हमारी? स्कोर हो चुका है 34। थोड़ा एनआई ब्लास्टर्स में डगआउट में आवाज आती हुई, थोड़ा हौसला बुलंद करते हुए और हमारे टॉस के बॉस मुकेश जी पालगोता आप कुछ कहना चाहोगे? टॉस होगा तभी बोलेंगे वो। जी हाँ, थैंक यू आप आए, यूसीसी को सपोर्ट कर रहे हो, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए आप सब लोग का अमोघ। और दीपक भाई, दक्ष भाई, अवनी लाइफ टेक हिटर्स की पूरी टीम, यस यस बॉस, और यार डार्लिंग, काफी जोश लग रहा है इनमें। आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं नहीं, हम कुछ कहना नहीं चाहते, हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। जी हाँ, अपील और अपील, अच्छी अपील और ये आउट, अंपायर की तरफ से आउट। पिंकेश थोड़ा सा नियंत्रण भूलते हुए यहाँ पे थोड़े जोश में पवेलियन। इस समय हेस का खेमा काफी खुश, फाइटर्स स्कोर क्या हुआ है जीतू भाई? स्कोर स्कोर हो चुका है, एक सेकंड ना, 35। अभी तक ये पूरा मैच हेज के हाथों में है, काफी बढ़िया तरीके से पकड़ के रखा है पूरा मैच इन्होंने, जिस तरह उनका नाम है फाइटर उसी तरह फाइटिंग कर रहे हैं वो। आतिश आ चुके हैं करने के लिए, दूसरे रन की मांग, थ्रो आ चुका है डेंजर एंड बे, खुद सनी भाई थे अंपायर की तरफ से नॉट आउट। नहीं, सनी भाई ने अंपायर ने स्टंप को नहीं देखा, सनी भाई को देखा और बोला कि तुम जिस तरह से भाग रहे हो भाई तुम रन आउट हो ही नहीं सकते हो।
और ये जो सनी भाई का फिटनेस का राज है उसका हम श्रेय कल्पेश भाई को भी दे सकते हैं, वो अपने टीम मेंबर को एकदम फिट रखते हैं। बॉलिंग करने के लिए तैयार, फिर से उठा के खेल दिया स्ट्रेट, शिवम खड़े हैं, एक रन से ज्यादा नहीं लेने देंगे। सनी भाई भागते हुए मिस फील्ड, और सनी ने ऑलरेडी ये दो रन कंप्लीट कर लिए। और ये ओवर 239 रन्स, कितने ओवर स्कोर 6 ओवर 39 रन्स। बैटिंग टीम अभी पावर प्ले ले सकती है, बैटिंग पावर प्ले ले सकती है अगर लेना हो तो। जीतू भाई आपके हिसाब से और 12 बॉल में कितने रन बनेंगे? मुझे लगता है ये 55 का स्कोर होगा इनका, लास्ट टाइम भी आपने जो प्रिडिक्ट किया था उससे ऊपर ही था। हाँ। तो इस प्रिडिक्शन कैप के आप असली हकदार हो। ये बार हम लोग प्रिडिक्शन का भी स्पॉन्सरशिप लेंगे। अगला मैच टॉस के लिए रेडी हो जाए। अगला मैच है लाइव टेक हीटर्स वर्सेस HN। प्लीज दोनों कैप्टन रेडी रहे। बैटिंग पावर प्ले दो ओवर के बाद लाइव टेक हीटर्स एंड HN के कैप्टन प्लीज रेडी। थोड़ा हमारे पास टाइम कम है, लाइव टेक हीटर्स के कैप्टन और HN के कैप्टन जहां पे भी कैमरा है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे वहां पे आके खड़े रहे प्लीज। और बॉलिंग थमा दी गई है शिखर को, एक शिखर माइक पे दूसरे शिखर बॉलिंग पे और एक सनी बैटिंग पे। जितने भी शिखर है ना अपने आप को शिखर तक ही लेके जाते हैं। और अंपायर की ओर से वाइड का इशारा, सनी ओपनिंग से बैटिंग करते हुए एक तरह को पूरी तरह दूसरे रन की मांग काफी तेज रनिंग थी पर अंपायर के ओर से आउट, रन आउट। अभी बहुत देर हो चुकी है, आपको पहले ही मना कर देना था। तीर आते हुए बैटिंग करने के लिए आला रे आला तीर आला मैदान मधे। काफी बढ़िया गेंदबाजी, शिखर द्वारा सनी भाई शुरुआत से लगे हुए हैं। अच्छी रनिंग और रन आउट होने के चांसेस। अरे नहीं ये क्या हुआ, आज सनी अपना भाग्य घर से लेके आए और शायद ये टीम सनी भाई को आउट ही नहीं करना चाहती है। अपना भाग्य लेके आए सनी आज, लोग हमने सुना हुआ कि सनी किसी पे भारी होता है लेकिन सनी आज सनी भी भारी है। तीरथ बॉलिंग पे है, शिखर बैटिंग पे, तीरथ ओ एक दो रन से भी रन आगे बढ़ सकते हैं, हमको चौके और छक्के तो चाहिए हम समझ सकते हैं। धीरे धीरे रन को बढ़ाना है, बूंद बूंद से सागर भरता है। धीरे धीरे रन को बढ़ाना है और अपने टीम को जीत के और लेके जाना है। उठा के खेल दिया एक और बार, शायद से वन बाउंस चौका, शायद नहीं बिल्कुल वन बाउंस चौका। चौका स्पॉन्सर्स बाय मारुति कंप्यूटर सिस्टम।
बैट घुमाया और बॉल बाउंड्री के बाद, और ये नो बॉल दी अंपायर, नो दी नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है, हमको कंफ्यूज ना करे, हम अंपायर पे ध्यान देंगे। और घुमा दिया, और साइड में घुमा दिया है, पावर प्ले, बैक टू बैक चौके, बैक टू बैक मारुति कंप्यूटर सिस्टम मैक्सिमम चौका, चौका स्पॉन्सर्स बाय मारुति कंप्यूटर सिस्टम। सनी हमारे लिए इंस्पिरेशन है, पहले ओवर से सेवेंथ ओवर तक खेल रहा है, जहां पे गर्मी का तापमान अब वो 50 डिग्री चल रहा है, 50 डिग्री में सात ओवर खेलना माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है। पर तीरथ ने आके पूरा गेम ही घुमा दिया है, ऐसे लग रहा था कि मैच अभी भी काफी हद तक हे सिद्ध फाइटर के हाथ में था, लेकिन तीरथ के बैक टू बैक चौकेस, दो बॉल में बैक टू बैक चौकेस ने थोड़ा सा हे सिद्ध फाइटर्स को प्रेशर में लाया है। जो एनए ब्लास्टर्स की जो हमारे कोचिंग, जो हमारे कोच दीपक भाई, दीपक भाई ये राज द किलर के चैंपियन टीम के कोच भी रह चुके हैं, सूर्य कुमार यादव के साथ वो खेले हुए हैं। हाँ क्या बात कर रहे हो, उन्होंने सूर्य कुमार के लिए अपने आप को पीछे ले लिया, वाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, एक्स्ट्रास एक्स्ट्रास पे ध्यान दो, एक्स्ट्रास पे, संयम संघवी कैप्टन खुद बॉलिंग करते हुए। काफी शानदार रन अप है संयम संघवी का, एक्स्ट्राज एक्स्ट्राज एक्स्ट्राज, अंपायर का इशारा और वाइट बॉल, वाइट बॉल। सनी बहुत ही खुश लग रहे हैं, उन्होंने बोला भाई मैंने पूरे साल की बैटिंग कर ली, अभी मेरे को अगले दो मैच में नहीं भी खिलाएंगे तो चलेगा, शायद हेस को अपने कैप्टन को थोड़ा बैक करना चाहिए, उनके साथ जाके थोड़ी बात करनी चाहिए। कैप्टन लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, और कैप्टन अगर ऐसा काम करेंगे तो बाकी प्लेयर्स के लिए क्या एग्जांपल छोड़ेंगे वो। बहुत अच्छी बॉलिंग, काफी शानदार कमबैक संयम, हमारी एक बोली ने संयम को चेंज कर दिया, और क्या देख रहे हैं हम, स्पोर्ट्समैनशिप, अंपायर को आउट दिना बिना ही सनी पवेलियन लौटते हुए, इसको बोलते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। और रवि भाई आते हुए क्रीज लगा और वो पवेलियन से बाहर जाते हुए, वेल प्लेड सनी, वेल प्लेड, सात ओवर तक टिकना क्रीज पे यही एक बड़ी बात है। अगला मैच लाइव टेक हिटर्स वर्सेस एचएन हिटर्स के कैप्टन, जहां कहीं भी हो शिखर यहां पे आ जाए, लाइव टेक हिटर्स के कैप्टन और एचएन हिटर्स के कैप्टन और हमारे टॉस के बॉस शाह मुकेश जी प्रताप जी पालगोता मामा, स्कोर स्कोर
अच्छी बॉलिंग, आखिरी ओवर है, ये ओवर पूरा चेंज करेगा। थोड़ा सा मायूस है एनआई, स्कोर 53 है, लेकिन ये गर्मी में 50 रन भी चेज करने बहुत भारी पड़ेंगे। कोच अगर कॉन्फिडेंट है तो प्लेयर कॉन्फिडेंट है, कोच अगर मायूस है तो प्लेयर मायूस है। एच एन नाइट राइडर्स के कैप्टन जल्दी प्रतीश भाई थोड़ा भाग के आओ, और ये डॉट बॉल जल्दी थोड़ा भाग के आओ, आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर में आप डॉट नहीं करना चाहते हो। सिंगल लेके दूसरी ओर पे तीरथ खड़े हैं, जिन्होंने दो चौके लगातार मार दिए, एक साइड में टच और तीरथ स्ट्राइक पर। शिखर स्कोर बोलते रहना। हाँ, और उठा के खेल दिया है, गैप में दो फील्डर्स मौजूद, एक रन से खुश, और इसी के साथ अपना स्कोर हुआ 54, 5 विकेट के नुकसान पे। बहुत अच्छी बॉलिंग वहां पे हेज द फाइटर्स की, आखिरी दो बॉल, एनआई को अच्छा कंट्रोल किया है, आखिरी एक बॉल, माफी चाहता हूँ, लास्ट बॉल, लास्ट दो बॉल है ना, आखिरी दो बॉल, दो बॉल। प्रतीश भाई जल्दी आओ, संयम, बहुत क्या हम दो बॉल दो चौके देख सकते हैं तीरथ के बैट से? जी नहीं, काफी बढ़िया बॉलिंग संयम की तरफ से। आखिरी ओवर में बॉल मिस करना ये क्राइम है, इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। संयम दिखाते हुए कि क्यों उनको हेज का कैप्टन बनाया हुआ है। एक फाइटिंग कमबैक दिया है। हेलो हेलो, हाँ ठीक है प्रतीश, अरे यहाँ पे आओ ना भाई, यहाँ आओ, आखिरी बॉल, और ये उठा के खेल दिया एक और बार, पीछे फील्डर मौजूद है, बॉल अच्छे से पकड़ लेके दो रन की मांग, और वो पूरा भी हो जाएगा। और टोटल स्कोर, स्कोर स्कोर 56, और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं दो कैप्टन, रुक जाओ फिर ना डॉस आते, फोटो कराओ, और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं दो कैप्टन लाइफ टैग हीटर्स और एच एन नाइट राइडर्स। दो मिनट बात करेंगे दीपक भाई, दो टूर्नामेंट खेले, फिर दो टूर्नामेंट रेस्ट, वापस आ गए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छा हम अच्छा खेले और सामने वाली टीम भी अच्छा खेले। आप दो टूर्नामेंट खेले हो और दोनों टूर्नामेंट में आप फाइनल खेले हो, उसके बारे में कुछ बताओ। मेहनत पूरी करेंगे, अब के भी शायद फाइनल में आ जाए। लाइफ टैग हीटर्स ऑन पेपर सबसे टॉप पे है, उसके बारे में कुछ? पेपर पर आपको भी पता है, गेम पिच पर होता है, पेपर पर कुछ नहीं होता है, तो जो पिच पर अच्छा खेले वो जीतेगा। वेल सेड, बेस्ट ऑफ लक। प्रतीश भाई, एच एन नाइट राइडर्स, आपके टीम में हमारे कमिटी मेंबर मनोज भाई और आप कैप्टन हो, उसके बारे में कुछ? नहीं, मैं बस नीलेश भाई को शुक्रिया अदा बोलना चाहूँगा। नीलेश भाई हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, वो इंजर्ड है तो भी हमको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, एकदम प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं नीलेश भाई हमको। ऐसा कोई लाइफ टैग का प्लेयर जिसकी खौफ आपके सर में है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई लाइफ टैग ऐसा प्लेयर जिसकी खौफ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो वेल प्लेड, बेस्ट ऑफ लक बोथ द टीम्स। हम टॉस उड़ाएंगे, हु विल कॉल? प्रतीश विल कॉल, और प्रतीश ने कॉल किया यूसीसी, और आया मुकेश जी, तो लाइफ टैग हीटर्स टॉस जीत चुका है। एक सेकंड ना, स्कोर बनाना चाहेंगे आप? नहीं, पर अभी तक डिसाइड नहीं किया। वी विल लाइक टू बैट, कितना स्कोर बनाना चाहेंगे? 70-75 मिनिमम बनाना चाहेंगे 8 ओवर्स में। कौन है आपकी टीम में? सब अच्छे हैं। नहीं, तो भी नहीं, नाम इधर हमारा बॉलिंग टीम प्लीज। लाइव टैग खेल रही है कोई आ जाए जल्दी, दीपक नहीं खेल रहा है, यश नहीं खेल रहा है, बैट्समैन खेल रही है, हेज द फाइटर्स, अपने बैट्समैन को भेजें। प्रतीश जी, मुकेश जी, बड़े रहो। प्रतीश जी, टॉस हार गए, कुछ मायूस? नहीं, मेरे को फर्स्ट बॉलिंग ही जाना था और वो बॉलिंग ही मिला है मेरे को। दोनों टीम को जो चाहिए था वो मिल गया, वेल प्लेड, थैंक यू वेरी मच ओनर्स, थैंक यू वेरी मच कैप्टन्स, बेस्ट ऑफ लक। मुकेश जी से रुको, आप हमारे टॉस के वॉच के स्पॉन्सर्स हो, आप इतने एक्टिव मेंबर्स हो, ये यूसीसी हम कर रहे हैं, हमारा एक मोटिव है
जुड़ेगा सुंदर तो बढ़ेगा सुंदर, तो इसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहोगे आप? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, सबको जोड़ने का सुंदर को। हमारे यही मोटिव है कि हमारे गांव का भी नाम होना चाहिए, और नाम है और इसको हम बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी जी मुकेश जी, लाइव बैट्समैन, लाइव टैग हिटर्स टॉस जीत चुका है एंड दे विल बैट फर्स्ट। हेज हेज द फाइटर्स, अपने बैट्समैन को भेजिए। हेज द फाइटर्स, टोटल स्कोर टू चेज, शिखर चेज 55 ना 57 का 57 का स्कोर है, अच्छा स्कोर है। डीजे डीजे सॉन्ग बजाते रहो। फिफ्टी सेवन रन को डिफेंड करना है और बॉलिंग का जिम्मा ले लिया है अमन भाई ने। काफी छोटा सा रन अप है पर बॉलिंग डाल दे तब बैट्समैन को बिल्कुल भी समझ नहीं आता, बिल्कुल भी ढेर हो जाते बैट्समैन। निखिल स्ट्राइक पे और काफी बढ़िया प्लेसमेंट, एक रन की मांग और बिल्कुल मिल जाएगा। और अब स्ट्राइक पे है शिवम संघवी। अमन भाई बॉलिंग करने के लिए तैयार और ये वाइट बॉल, अंपायर का इशारा वाइट बॉल। और लेग साइड पे घुमा दिया है, पीछे फील्डर मौजूद है, शायद से एक ही रन मिलेंगे। दोनों बल्लेबाज काफी फास्ट भागते हैं पर एक रन से खुश होना पड़ेगा। काफी बढ़िया फील्डिंग वहां पे, ये जो आप देख रहे हो के प्लेयर्स अंदर बार कर रहे हैं, ये लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन की वजह से ही होता है। और अभी पावर प्ले है, और अब स्ट्राइक पे आते हुए निखिल जैन। अरे यार 57 रन्स का टारगेट, थोड़ा कुछ एनआई को चेंजेस करना होगा ये रन चेस करने, मतलब ये डिफेंड करने के लिए रन, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा छोटा टारगेट है, थोड़ा छोटा टारगेट है। हाँ ऐसी ही बॉलिंग की जरूरत है वहां पे उनको, खाली एक्स्ट्रास पे ध्यान दे, खाली एक्स्ट्रास पे। अगर आप एक एक्स्ट्रा डालते हो और फिर डॉट कराते हो तो कोई पॉइंट नहीं होता। निखिल और शिवम बैटिंग करेंगे, सलामी जोड़ी। निखिल को तो आप जानते होंगे, शिखर कुछ उनके बारे में बताइए आप। निखिल जी हाँ, वो मेरे अंकल का लड़का है, काफी बढ़िया बैटिंग करता है, काफी अच्छा खेलता है, लेकिन आज तो कोई प्रेशर भी नहीं उसको। अगर वो धीरे धीरे और संभल के खेले तो आज ये हीरो बन सकता है। जी हाँ जरूर, आज उनका दिन है हीरो बनने का। क्रिकेट में अगर आप प्रेशर लोगे तो आप आगे नहीं जा पाओगे। क्रिकेट और बिजनेस ऐसा चीज है, जिसने प्रेशर हैंडल किया उसने वो फील्ड को राज किया। क्या बात है जीतू भाई, एक और बार रन अप लेते हुए अमन बोरा। अमन बहुत अच्छी बॉलिंग अमन की वहां पे,
ये व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। अभी तक अमन ने पूरा कंट्रोल किया हुआ है। जी हाँ, अमन के बॉलिंग की थोड़ी तारीफ। मैं पहले मैच से बोल रहा हूँ, एक्स्ट्राज, जिसने एक्स्ट्राज पे कंट्रोल किया उसने बाजी मारी है। और अगर आप नोटिस करोगे तो बिल्कुल ऑफ का डब्बा पकड़ के डाल रहे बॉलिंग, कुछ भी नया ट्राई करने की कोशिश नहीं कर रहे, ना लेग साइड ना शॉर्ट बॉल, बिल्कुल ऑफ। बढ़िया, फिर से व्हाइट बॉल। क्या हम हैट्रिक देखेंगे व्हाइट बॉल की? जनता पूछ रही है क्या हम हैट्रिक देखेंगे व्हाइट बॉल की? ये तो आपको अगले बॉल में पता चल ही ना जाएगा। जनता देख रही है, हमको ट्विटर पे सब मैसेजेस आ रहे हैं, हमारा ऑफिशियल ट्विटर है। नहीं, स्टंप्स के बीच में बॉल डाली थी, शायद थोड़ा फोकस हट। और शिखर बंसाली आते हुए बैटिंग पे। हमने तो खाली अमन को खाली पूछा था क्या हैट्रिक हो सकता है, उन्होंने तो इतने दिल पे ले लिया और विकेट ही ले लिया। पिंकेश, अ कमिटी मेंबर, अ गुड पर्सन, अ गुड बैट्समैन, अ गुड बॉलर, अ गुड फील्डर, ओवरऑल अ गुड पैकेज। एक बार हम हमारे स्पॉन्सर्स की ओर नजर डाल देते हैं। हमारे कप स्पॉन्सर है हैशटैग खुशी का मौका संघवी फैमिली, स्टाइलिश प्लेयर बीजल मनीष भंसाली, बेस्ट बॉलर सन सिंह सिस्टम्स, बेस्ट बैट्समैन न्यू लिंग इन्फोटेक, मैक्सिमम सिक्सेस मैक्सिमम फोर्स मारुति कंप्यूटर सिस्टम, विकेट स्पॉन्सर्स मैक्सॉन आतिश राजमल जी बोकाड़िया, टॉस का बॉस मुकेश प्रताप जी पालगोता, कैचेस फॉर ऑल मैचेस मैक्स पावर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैचेस मफतलाल जी गेला जी चोपड़ा, रिंग स्पॉन्सर जय गुरुदेव ग्रुप राहुल दिनेश मेहता। इन सब स्पॉन्सर्स को बहुत बहुत थैंक यू देता, दिल से धन्यवाद देता हुआ। बार बार आप ऐसे ही हमको स्पॉन्सरशिप देते रहे और हमारा मनोबल बढ़ाए, हम ऐसे इवेंट्स आपके लिए बार बार लेके आते रहेंगे। स्कोर हो चुका है 6-6, 6-4-1। काफी बढ़िया रन अप है पिंकेश भाई का। और ये एक और डॉट बॉल ऑफ साइड पे, थोड़े रचमार्क तक शॉट खेलने की ट्राई कर रहे थे शिखर भंसाली। और ये एक नया शॉट खेलने की ट्राई की थी पर कनेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि पिंकेश को ऐसे शॉट खेलना बहुत डिफिकल्ट है। ये आसानी से आपको इतने अच्छे शॉट्स नहीं मारने देंगे, बहुत ही फोकस लगेगा आपको अगर आपको इस बॉलर को थोड़े 360 टाइप शॉट्स मारना है तो। अब बैटिंग पे है शिवम, पिंकेश एक और बार अपना रन अप लेते हुए, क्या इस बॉल पे हम कुछ नया देख सकते हैं? जी, एज लगते हुए बॉल जा रही है पीछे बाउंड्री की और फील्डर वहां पे भागते हुए, और जी हाँ बॉल रोक दिया। 3 रन की मांग की थी और शायद पूरा भी कर लेंगे, काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तीन रन भागे, पहली बार 3 रन कोई टीम भागी है ये टूर्नामेंट में।
ये युवा प्लेयर्स है जिससे मालूम पड़ता है कि टीम की फिटनेस लेवल कितनी हाई है। एटलीस्ट यूसीसी कमिटी ने अपने सुंदर के प्लेयर्स की फिटनेस लेवल को हाई कर दिया है, इस बात में कोई शक नहीं है। एक और बार बॉलिंग करने के लिए तैयार पिंकेश भाई, और घुमा दिया है लेग साइड पे और अंपायर का इशारा सिक्स मैक्सिमम मारुति कंप्यूटर सिस्टम्स। ये तो गिफ्ट था, गिफ्ट भाई तू मार ले सिक्स। दिशा बाउंड्री पे आके अटक गए। अच्छे बॉल्स को सम्मान दे और बुरे बॉल्स को अंजाम, ये ही है हर सीकर का नाम। सीकर का नाम शिवम था, शिवम। और ये उल्टा खोलने की कोशिश, शायद ये कैच हो सकता था। जी हाँ, एज लगा था पीछे। कैच, कैचेस विन मैचेस। स्कोर 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 हो चुका है 17, 17 रन हो चुका है। बचपन में सीखा था कि 17 खतरा हो सकता है, या तो ये खतरा एनआई का है या हेज का है, वो अगले ओवर में आपको मालूम पड़ जाएगा। और अब बॉलिंग डालने आ रहे हैं हमारे अपने शहीदे राकेश भंसाली, जिन्होंने बैटिंग में आज इतना जलवा नहीं दिखाया। हम उम्मीद करते हैं कि वो बॉलिंग में कुछ जलवा दिखाए। धीरे धीरे ऑडियंस आती हुई ग्राउंड में, और यूसीसी कमिटी ने पार्किंग भी रखी हुई है, फ्री 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 पार्किंग फॉर ऑल द ऑडियंस। ग्रैंड मेडिकल के वहां से आए और पार्किंग करके जाए। पहली बॉल और रन भागने की कोशिश पर, और ये अंपायर का मनीष तो बहुत खुश है, मनीष बहुत खुश है, और ये अंपायर का डिसीजन ऑल आउट। ये क्या हुआ, आउट। नरेश, हमारे बिल्डिंग के नरेश, हमारे गांव के नरेश, हमारे सुंदर के नरेश। जीदू भाई, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा मनीष भंसाली के कीपिंग की। वाह, काफी काफी भंसाली, मनीष भंसाली को कीपिंग देखते हुए मुझे धोनी की याद आती है। वो भी कैप्टन कीपर, ये भी कैप्टन और कीपर, वो भी इतने कूल, ये भी इतने कूल, वो भी एम फॉर माही, ये भी एम फॉर मनीष। वाह, ये नहीं तो पिछले जन्म में कुछ तो उनका रिश्ता होगा। जी हाँ, वो भी क्रिकेट वाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, एक्स्ट्रास पे ध्यान देना पड़ेगा। उनके पास करोड़ों रुपए हैं, इनके पास करोड़ों फैंस हैं, दोनों की सिमिलरिटी कितनी है, और ये खुद भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन होंगे। हाँ, और ये भाग गए, नॉन स्ट्राइकर ने ना बोला था तो भी। ये देख के तो हमको गली क्रिकेट याद आ गया, हम गली में ऐसे ही भागते थे। काफी चीकी रन ले लिया था, वहां पे फील्डर मौजूद थे ऋषभ। हेस को मालूम है कि एक एक रन कितना इंपॉर्टेंट है। और एकदम शॉक हो गए, खेल ही नहीं पाए। Finding the ball.
शिखर शिखर एनआईके कोच आ रहे हैं, उनसे थोड़ा दो वर्ष हम सुनना चाहेंगे उनके मुंह से। दीपक भाई, दीपक भाई ये जरा शर्माते, एक मिनट इधर आइए, एक मिनट, मैच चालू है, वो बोल रहे मैच के दौरान बात नहीं कर सकते क्योंकि उनके एक कमेंट्स उनकी फीस को कम कर सकते हैं। वाइट ऑफ साइड पे प्लेस कर दिया है और एक सिंगल ले लिया है। साजन 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 ग्राउंड में है या घर पे चला गया है? साजन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन, बॉलर्स और ये बिल्कुल भी मिस कर दिया बॉलर ने। स्कोर 30 बॉल में 35 रन चाहिए, इजीली अचीवेबल है अगर हेज ध्यान से खेले तो। स्कोर स्कोर हो चुका है 22 for 2। कुछ भी न्यू करने की जरूरत नहीं है हेज द फाइटर्स को। हेलो हेलो, एक साइड है एक्सपीरियंस टीम यूसीसी की, एक साइड है एक्सपीरियंस टीम यूसीसी की जो बॉलिंग कर रहे है और एक साइड है यंगस्टर टीम। हु विल बी द विनर? और ये तीरथ की बॉल पे काफी अच्छा शॉट, उससे अच्छी काफी अच्छी फील्डिंग, नॉन स्ट्राइक एंड पे नरेश भाई, उनको आउट करना मतलब पसीना छूटना। वो ऊपर से खेलते ही नहीं है, वो सिर्फ ग्राउंड शॉट खेलते हैं। और ये विकेट विदाउट अपील, काफी अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप, कैच आते हुए सीधा रवाना। इसको कुछ नया करने की कोई जरूरत नहीं है, एक एक रन भी उनको ये मैच जीता सकता है। जी हाँ, अगर उनको बोनस से जीतना है तो वो कुछ चौका और छक्के के बारे में सोचे। पर ये जिस टीम के सामने खेल रहे हैं वो आसानी से जीतने देती नहीं है, पर ये टाइम पे आप मैच अपनी ओर लेके जा सकते हैं। जीतू भाई, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है, सिंगल्स डबल्स में गेम घुमाए और मैच अपने घर ले जाए। और ये सीधा खेल दिया है, वहां पे अमन भाई मौजूद है, एक रन से खुश। स्कोर हो चुका है 25 for 3 विकेट्स, बहुत ही क्लोज मैच हो रहा है ये, 57 का टारगेट है। ओहो, तीरथ की बॉलिंग पे अंपायर का वाइड का इशारा। ऑलरेडी आपके पास बहुत कम रन है तीरथ, आप एक्स्ट्रा से जीता होगा कैसा चलेगा? और फिर से एक और बार लॉफ्ट कर दिया है, पिंकेश मौजूद है वहां पे, फिर से एक रन से खुश। पूरी ताकत लगाई नरेश ने वहां पे,
दूसरा रन भी कंप्लीट करना चाहते थे वो, अगर थोड़ी और ताकत लगा दी होती तो कैच सीधा पिंकेश के हाथ में होता था, है ना। घुमा दिया एक है और बार लेग साइड में घुमा दिया, फिर से पिंकेश के पास बॉल और फिर से एक रन से खुश। बॉल पिंकेश को फॉलो कर रही है, वो हर बॉल पिंकेश के पास ही जा रही है। क्रीज पे मौजूद गौरव पालगोता एंड नरेश मेहता। नरेश मेहता, ओहो नरेश मेहता वो सिक्स से जिताना चाहते हैं अपनी टीम को। नरेश क्या अपने टीम को मैच जिताना चाहते हैं या वो खुद को हीरो बनाना चाहते हैं? चार ओवर 28 24 29 रन्स अभी भी मैच थोड़ा रोमांचिक थोड़ा टाइट चल रहा है। 28 रन चाहिए चार ओवर में, यही तो खूबी है एनआई ब्लास्टर्स की। माइक पे इस वक्त है गौरव पालगोता और बॉलिंग है राकेश भंसाली के हाथ में। देव इन द ग्राउंड, देव पालगोता इन द ग्राउंड और ऑफ लेग साइड में मार दिया है घुमा के, फील्डर मौजूद, फिर से एक रन से खुश। इस वक्त आपको लग रहा होगा कि ये एक एक रन क्या ले रहे हैं, पर उनको जरूरत ही एक एक रन की। मैच खत्म होगा तब ये एक एक रन ही आपको मैच जिताएंगे। क्रिकेट में सिर्फ सिक्स और फोर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी इंपॉर्टेंट होता है। और ये उठा के खेल दिया है, पीछे फील्डर है अमन बोरा, काफी बढ़िया बॉल कलेक्ट कर देंगे और ये दो रन की मांग और बड़ी आसानी से पूरा भी कर देंगे। बहुत अच्छा थ्रो भी अमन का वहां पे। इस वक्त राकेश भंसाली को अपना जादू दिखाने की जरूरत है। अगर एनआई ब्लास्टर्स को यहाँ से मैच थोड़ा और रोमांचक बनाना है तो यहाँ पे विकेट्स की बहुत जरूरत है। ओहो ऑफ साइड पे टच कर दिया है और एक रन से खुश हो जाएंगे मेरे ख्याल से। फील्डर वहां पे काफी चुस्त और तंदुरुस्त। राकेश भंसाली वर्सेस गौरव, गौरव पहले ही तैयार थे। एक और लेग साइड पे सिंगल रन, एक एक रन हेस को फायदा देगा और उतना ही घाटा एनआई को दे रहा है। क्या फील्डिंग में थोड़ा बदलाव हो सकता है, क्या पिंकेश थोड़ा और आगे खड़े रह सकते हैं? कुछ नई रणनीति मनीष को सोचनी होगी ये मैच के लिए। एक एक रन तो हेस को जिता देंगे। ओहो वाइड बॉल, वाइड बॉल, वाइड बॉल। नरेश ने बॉल घुमा दी है, पीछे तीरथ खड़े हैं, थोड़ी सी मिसफील्ड, क्या दूसरा रन मिलेगा? भाग दो गए दूसरे रन के लिए, थ्रो बहुत दूर और दूसरा रन कंप्लीट कर दिया है। थ्रो अच्छा था लेकिन राकेश ने प्रॉपरली कलेक्ट नहीं किया उसको, अगर प्रॉपर कलेक्ट करते तो ये रनआउट के चांसेस हो सकते थे। काफी बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं दोनों ही बैट्समैन, सिर्फ सिक्स और फोर से मैच नहीं बनते, मैच सिंगल रन डबल से भी बनता है। और बॉल हवा में, मनीष भागते हुए बॉल की ओर और कॉल उनका। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, मनीष भंसाली और कैच, कैच छूटा या मैच छूटा, ये कैच था या मैच था? स्कोर हो चुका है 18 बॉल में 20 रन चाहिए, 18 में 20। कुछ न्यू करने की जरूरत नहीं है हेस को और बहुत कुछ करने की जरूरत है एनआई ब्लास्टर्स को। ये विकेट कुछ ना कुछ कर सकता था एनआई को।
क्या हुआ? आया क्या माइक में? अठारह बॉल में 20 रन चाहिए। पिछला मैच भी थोड़ा टाइट हुआ था, ये मैच भी थोड़ा टाइट चल रहा है। यूसीसी के हर मैच टाइट ही होते हैं, तो हम सजेस्ट करेंगे जिसका दिल कमजोर है ये यूसीसी को ना देखे। किसी को कुछ भी हो सकता है, उसके लिए यूसीसी जिम्मेदार नहीं है। बराबर ना भाई? जी हाँ, छुड़ा लेंगे। एक रन के बदले दो रन, जहां एक रन भी टाइट था वहां दो रन आराम से मिले। सूझबूझ नरेश और वहां पे और प्रेशर में एनआई ब्लास्टर्स, गौरव और नरेश की। हमारे अगले मैचेस के टीम्स प्लीज रेडी हो जाए। अगला मैच लाइव टेक हीटर्स वर्सेस एचएनआई टाइटर्स। दोनों टॉप टू टीम्स है ये टूर्नामेंट की अभी तक की। आमने सामने कौन बाजी मारेगा? राहुल मेहता बॉलिंग पे और घुमा दिया है बैट, पीछे है राकेश भंसाली। काफी बढ़िया बॉल कलेक्शन और एक रन से खुश। और हमारे मोटिवेटर, यूसीसी के मोटिवेटर संजय जी पालगोता ग्राउंड में आते हुए। संजय भाई आप कुछ कहना चाहोगे? ऐसे ही आप आया करो और हमको थोड़ा जोश दिलाया करो कमिटी को। कैच की मांग, ओहो पकड़ लिया। क्या ये मैच पकड़ा है? बॉल इतनी ऊपर थी, इतनी ऊपर थी। स्पॉन्सर है मैक्स और नातिश राजमल जी बोकारिया। कैच स्पॉन्सर्स मैक्स पावर। कैप्टन बॉलिंग पे राहुल, राहुल मेहता। नाम तो सुना होगा राहुल का, आज देख भी लो उसको। बहुत अच्छी बॉलिंग वहां पे। एक विकेट इन्होंने अपनी टीम के लिए चुरा लिया है और वो भी बहुत बड़ा विकेट। गौरव जो अच्छे फॉर्म में खेल रहे थे, सिंगल्स डबल्स घुमा रहे थे, उनकी ताकत थी वो स्ट्राइक रोटेट करना। नरेश को साथ में लेके खेल रहे थे वो। हाँ, पर ये जो बैट्समैन अभी आया है क्रीज पे, संदीप जैन का छोटा भाई आकाश जैन। हाँ, ये भी सिंगल्स डबल्स काफी अच्छे से घुमाता है। घुमा दिया है वहां पे आकाश ने। काफी बढ़िया बॉलिंग राहुल मेहता की तरफ से। बैट बहुत बहुत घुमाया बैट को, लेकिन बॉल को घुमाना भूल गए। स्कोर एक मिनट रुक गया। 41 12 बॉल में 16 रन। मार दिए ये मैच के लिए। नरेश अभी खड़े नहीं नहीं करके उन्होंने 200 कैलोरी बर्न कर ली है दीपक ने। रोमांच, पहला मैच ट्रायो पावर जीता है, दूसरा मैच
कौन जीतेगा? और यहाँ पे बैटिंग पावर प्ले ले लिया है टीम ने। बैटिंग पावर प्ले, पावर प्ले में सिर्फ दो प्लेयर्स 30 यार्ड्स के लाइन के बाहर हो सकते हैं, बाकी सब प्लेयर्स अंदर। अगला मैच लाइव 10 मीटर्स। अमन आते हुए बॉलिंग पे, अमन वर्सेस नरेश। मुझे तो लग रहा है इस बॉल पे कुछ धुएंदार शॉट्स दिख सकता है। बहुत अच्छी बॉलिंग वहां पे अमन की, एक ही रन से खुश कर रखेंगे उनको, एक ही रन तक सीमित रखेंगे। और नरेश बिल्कुल भी घाई में नहीं लग रहे, नरेश आराम से पूरे कॉन्फिडेंट है वो। उन्हें पता है अगर वो खड़े रहेंगे तो मैच उनसे कोई भी दूर नहीं लेके जा सकता है। अब स्ट्राइक पे है आकाश जैन, सामने अमन। बहुत अच्छा शॉट, और ये घुमा दिया है बॉल हवा में फील्डर आते हुए रवि भाई थे वहां पे। अच्छी फील्डिंग वहां पे, थोड़ा एक्स्ट्रा भाग लिए वो, जितनी उनको जरूरत नहीं थी वो भाग गया और कैच को ड्रॉप कर लिए। थोड़ा सा जज नहीं कर पाए वरना ये कैच सीधा उनके हाथों में था। बहुत जरूरत थी विकेट की एनआई को, शायद ये मैच भी उनके हाथ में था। एनआई को बहुत जरूरत थी ये कैच की, ये मैच की। रवि थोड़े से नाखुश अपने आप पे। अच्छी बॉलिंग करते हुए अमन, अच्छी बॉलिंग अमन, काफी शानदार बैट घुमाया था, काफी बढ़िया अपील मनीष भंसाली की ओर से, पर अंपायर्स डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन। ओहो, ये ओवर हेज को भारी पड़ रहा है यहाँ पे, एक एक बॉल बीट हो रही है, एक एक। अमन पूरे मैच को टर्न करते हुए यहाँ पे, 8 बॉल में 14 रन चाहिए, और अपनी टीम को भी मैच में लाते हुए, इक्वेशन थोड़ा बढ़ते हुए यहाँ पे। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, यूसीसी का दूसरा ही मैच और इतना रोमांच। हमने पहले ही सबको बता दिया कि जिसकी जिसको दिल की प्रॉब्लम है ये मैच यूसीसी को ना देखे। और उठा के खेल दिया, वहां पे फील्डर मौजूद, और ये कैच पकड़ लेंगे राहुल मेहता। राहुल मेहता ने लपक लिया है नरेश को, ये गलतियां नहीं करेंगे। अब आ चुके हैं, हेज अपना मैच खुद बिगाड़ रहे हैं, और अभी आ चुके हैं कैप्टन। हम उनका वेट 4th ओवर से कर रहे थे, वो इतने लास्ट क्यों आए हमको मालूम नहीं पड़ा। और ग्राउंड पे आ चुके हमारे टॉस के बॉस स्पॉन्सर प्रतीश मुकेश जी पालगोदा, वेलकम सर, वेलकम। अमन आकाश स्ट्राइक पे लंबा शॉट मारने की कोशिश थी, संयम बहुत तेजी से भागे और कोई फील्डर दूसरे एंड पे नहीं था, और मनीष थ्रो नहीं कर पाए क्योंकि उनको लगा थ्रो करेंगे तो शायद दूसरा रन भी मिल जाएगा उन्हें। लास्ट ओवर, एक ओवर में 13 रन, पूरा मैच बदल गया है यहाँ पे। 6 बॉल 13 रन और पावर प्ले भी नहीं है उनके पास। अमन ने जो ये मैच में चेंजेस किया है, आखिरी बॉल जो उन्होंने किया है, एनआई थोड़ा, हमारे पास टाइम कम है। अमन के साथ साथ राहुल भाई की भी बहुत तारीफ। राहुल ने बोला है कैप्टन नॉक है, अभी ये जिम्मेदारी का कैप्टन निभाएगा। अगर राहुल ये मैच को पलटता है, राहुल अपने टीम तो के इतिहास में चमक जाएगा। हाँ,
राहुल 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 पूरी जिम्मेदारी राहुल के ऊपर, और ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, इनको ये यूज टू हैं ऐसे सिचुएशन में, और हर बार सिचुएशन के आ गया है वो। राहुल एक जगह, आकाश संयम को अब तक एक भी बॉल नहीं मिली है, उनके टॉप बैट्समैन है, उनके कैप्टन है आकाश, अगर बॉल को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उनको संयम को बैटिंग देनी चाहिए, ऐसी उनकी सोच होनी चाहिए। 6 बॉल 13 रन अभी भी बन सकता है, होप्स ना हारे, क्रिकेट का गेम है, कुछ हमने तो बताया आपको सुनतर में इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं हमारे पास, हम सुनतर वासी हैं, इफ यू हर चीज कर सकते हैं, देन यू कैन डू इट। एक और बार घुमा दिया लेग साइड पे, पर बॉल कनेक्ट नहीं कर पाया, अंपायर का वाइड, ये एक्स्ट्राज ने, ये प्रेशर है, लास्ट ओवर प्रेशर। 6 बॉल 12 रन शायद से ये राहुल भाई की रणनीति भी हो सकती है कि 2 बॉल लेग साइड पे और 1 बॉल स्टंप्स के बीच में, और ये सेलिब्रेशन जो चालू, अंपायर की तरफ से आउट का इशारा, और ये कैच आउट, बहुत ही शानदार कैच मनीष भंसाली की तरफ से, राहुल ने पावर दिखाया, एक बार फिर राहुल ने कर दिखाया, मैक्स पावर कैचेस फॉर ऑल मैचेस एंड विकेट स्पॉन्सर बाय मैक्सन, आतिश राजमल जी बोकाड़िया, म्यूजिक। घाटा पड़ सकता है, संयम बैटिंग करने के लिए उत्सुक, लेकिन उनके पार्टनर उनको बैटिंग करने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पे अमन और राहुल के बीच थोड़ी बातचीत होती हुई, अगला बैट्समैन के मैच जीतने के बाद खाना खाने किधर जाना है भाई, मैच जीतने के बाद पार्टी कहाँ होगी, जैसे आईपीएल में हर मैच के बाद पार्टी होती है, हमारे यहाँ पे भी हर मैच के बाद पार्टी होगी। और अब स्ट्राइक पे आते हुए कौन है, राकेश, राकेश इनको बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से ये मैच खेल रहे हैं, ये उनके लिए सही बंदे हैं जो जो हेस को जिता सकते हैं। संयम और राकेश आखिरी 4 बॉल, आखिरी 5 बॉल पर जीतू भाई आपके हिसाब से थोड़ा लेट नहीं हो गया है अचिन, थोड़ा प्रेशर तो है, दोनों टीम पे प्रेशर है। ओ बॉल मिस, मैंने लास्ट इनिंग में बताया गया था कि लास्ट ओवर में जो भी बॉल मिस करता है ना उसको जेल हो सकती है, ये इतना बड़ा क्राइम है। और यहाँ पे तारीफ राहुल भाई की भी करनी पड़ेगी, 4 बॉल 12 रन काफी शानदार रोक के रखा है राहुल, राहुल मेहता बैट्समैन के दिमाग के साथ खेल रहे हैं, और राहुल ब्लास्टर्स के सपोर्टर्स चीयर करते हुए उनको, और घुमा दिया है बॉल हवा में, फील्डर भागते हुए बॉल के नीचे, राहुल मेहता खुद और एक कैच छोड़ दिया, ड्रॉप चलेगा, 1 रन गया, उनको नुकसान नहीं हुआ है, बॉलर्स को फॉलो भी के बाद अभी भी ये पूरा मैच एनआई के हाथों में ही है, बहुत मुश्किल होता है बॉलर्स को फॉलो थ्रू के बाद कैच तक जाना, बहुत अच्छी ट्राय राहुल की वहां पे, 3 बॉल 11 रन कैप्टन वर्सेस कैप्टन, राहुल वर्सेस संयम, अभी हम आखिरी 3 बॉल में राहुल और संयम को ही देखेंगे, ऐसा मैच शिखर आपको खाली यूसीसी में ही देखने मिलेंगे। जी हाँ जी हाँ, यहाँ पे हम वन साइड मैच हमारे होते ही नहीं है, दूसरा ही मैच यूसीसी का, और इतना रोमांच, लास्ट बॉल तक गेम है, लास्ट बॉल तक, 3 बॉल 11 रन पूरा मैच एस के हाथों में था, मैच अभी भी बन सकता है अगर संयम चाहे तो, और राहुल चाहे तो भी मैच बन सकता है एनआई के लिए। ओ और ये वाइड बॉल का इशारा, संयम को मालूम था ये बॉल वाइड है, उन्होंने छोड़ दी, उन्होंने अटेम्प्ट भी नहीं किया, यही एक अच्छे बैट्समैन की निशानी है। हाँ आपको क्या लगता है ये मैच यहां से बनेगा, पूरा संयम के ऊपर डिपेंड है, ये बॉल पे पता चल जाएगा।
एक और वाइड बॉल, बैक टू बैक वाइड्स, बैक टू बैक एक्स्ट्रा, थोड़ा प्रेशर राहुल के ऊपर आते हुए। तीन बॉल में 9 रन चाहिए, तीन बॉल में 9 रन, दो बिग हिट एंड मैच इज विद हेज, वन डॉट बॉल, हेज आर इन प्रेशर, और प्रेशर में शायद थोड़े राहुल भाई भी दिखाई दे रहे हैं, शायद वो कैच छूटने की वजह से, और घुमा दिया है ऑफ साइड पे, शायद से सिंगल ही होना पड़ेगा, मिलेगा। मुझे लगता था ये संयम को रन भागना नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके पास जो एक्सपीरियंस है, जो पावर है, वो काम आ सकता था आखिरी दो बॉल के लिए। दो बॉल आठ रन, दो बॉल दो चौके। जो टीम खाना खा रही थी वो अपने खाने को भूल गया है, जो बिजनेस के ऑर्डर ले रहे थे वो अपने बिजनेस के ऑर्डर को भूल गए हैं। सबको ये मैच देखना है, सबको देखना ये टीम कौन जीतेगी। और अगला मैच लाइव टैग हिटर्स और एच एन हिटर्स भी रेडी, हम लोग ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ टाइम चल रहे हैं, वरना लास्ट मैच में ओवर्स कम हो सकते हैं। घुमा दिया है राकेश ने वहां पे, और ये बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे पिंकेश की, उन्होंने ये दो रन नहीं रोके, उन्होंने ये मैच रोका है, पिंकेश ने ये मैच रोका है, दो रन नहीं रोके। एक बॉल 6 रन, थोड़ा मुझे इम्पॉसिबल लगता हुआ, लेकिन ये सुंदर है। एक बॉल 6 रन, एक्स्ट्रास का ध्यान रखना होगा कैप्टन को। एक बॉल 6 रन, कोई मैच में ग्राउंड पे भाग के ना आए, ऑलरेडी वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। एक बॉल 6 रन, एक बॉल बीट, मैच जीती एनआई, 1-6 मैच हेज, ऐसे ही मैच होने चाहिए। और ये मैच जीत चुकी है और ये एनआई ब्लास्टर्स। प्लेड वेल प्लेड एनआई, एनआई ब्लास्टर्स वेल प्लेड। नेक्स्ट टीम, नेक्स्ट टीम।